जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश सवेर समय सत्संगत दा समा ये पल सानू प्राप्त होए ने गुरु दरबार दी आभा नू मानदे आ गुरबाणी कीर्तन आसा की वार दे रूप विच समापन होया। उपरंत पावन दीवाना दी अरदास ते अरदास दी शमूलियत दे नाल ही अज दा गुरु हुकम ज्ञानी जी हुणे सानू सरवण करवा रहे सी। गुरवाकां दा पाठ असी सरवण कर लिया है, सो अगला समा इन्हां ही वाकां दी व्याख्या दा है जिस गोचरे सी डायरेक्टली पावन बावन पावन बचना दी इंटरप्रिटेशन नाल सांझ पावांगे। इस पावन शब्द नूं दोबारा असीं रिसाइट नहीं करांगे। सो आओ रस्मी ढंग दे नाल विचारां दा आगाज करदे हां। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई फतेह प्रवान होए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा गुरु हुकम राग तनहासरी की रचना है, महला पंजवा गुरु अर्जन पातशाह नानक जोत दा पंजवा जामा इन्हां बचना नूं उचार रहा है। इस पावन शब्द दा रहाओ दा पदा जिस विच इस पावन गुरुवाक दी जो थीसिस स्टेटमेंट या जो मुख संदेश या महाराज बयान करदे जी की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी रहाव। जी की एक ही पहमानी उचारण दे परिपेख विच भी छोटी जी बिनती करदे हां। जदों खास करके जिवें इत्थे जज्जा बिहारी ते पिछे ऐड़ा आ रहा है, कई बार थियोलॉजिकल साइट्स तो जो लोग संप्रदाय उचारण दे नाल आउंदे ने इसनू जीए कह दिंदे ने, पर एक्चुअली जिहड़ा एकेडमिक लैवल ते पाठ बनता है वह बनता है कि जज्जा बिहारी ते ऐड़ा, ऐड़े का साउंड बिहारी दे च मर्ज हो जाता है। जो भाई साहब पाठ कर रहे सी जी बिल्कुल एग्जैक्ट इस रूप दे च, भाव बिहारी का साउंड थोड़ा लम्मा कर देना जिहड़ा पिछला वावल आ उदा साउंड पहले वावल च मर्ज कर जाएगा। सो जी की एक ही पहमानी, पहमानी जिन्हों से पूर्माणता कह सकते हैं सिग्निफिकेशन। इस जिंद की जिहड़ी असल विच सिग्निफिकेशन आ, जिहड़ी असल विच इहदी पूर्माणता इहदे मायने बनते ने, वह बनते ने करतार दे नाल सांझ बना के, उस परिपूर्ण नाल सांझ बना के। बाणी दे विच महाराज वार वार कहिंदे ने कि अपने मूल नाल जुड़। हुण इस तरह जाणो कि जिवें साडा शरीर है ये मिट्टी तो बनया, मिट्टी का रूप इहदे च आउणा आ, पर मिट्टी सीधी नहीं असीं खा सकते, मिट्टी सीधी असीं इहदे उत्ते पा नहीं सकते, मिट्टी रूप वटाएगी। किस तरह का रूप वटाएगी? मिट्टी फूड की शक्ल च, फूड दे विच भी जहो जी इस दी लोड़ या उदे मुताबक दा फूड सानू इनू देना पएगा। सो इस रूप दे विच आ कि इस मूल नाल जुड़ना है, पर मूल नाल जुड़ना किस तरीके कारता दे नाल है ये भी बड़ा जरूरी है। जिवें सपोज करो 70% बॉडी दे विच पानी है, पर ये नहीं कि तुसी कोई भी कितों भी पानी जिहड़ा है चक के इहदे विच उस रूप विच पा दिओगे, नहीं। पानी वो जो साफ होए, जिहदे च कोई बैक्टीरिया ना होए, जिहदे च कोई इस किस्म दे कैमिकल्स ना हो, जिहड़े इस इहदे अंदर दे पए हुए पानी नूं या इहदे अंदर दी जिहड़ी जिहड़ी हैल्दी सिचुएशन है उहनूं खराब ना कर देण। सो पुरमानता यही हुंदी है, जो एप्रोप्रिएट सोर्स बनता आ, जो वाजब उहदा रूप या उहदी जिथे सांझ बनती उत्थे ही बनाई जाए।
इस जिंद नूं असी फिकरां दे विच, चिंतावां दे विच, झोरियां दे विच या बहुत ज़्यादा वकारां दी दुनिया दे विच लैके जावांगे, ये साड़ी रूह तड़पेगी, साड़ी जिंद तड़पेगी। महाराज कहिंदे इहदी जिहड़ी पुरमानता आ उह अकाल पुरख वाहिगुरू ते भरोसा करन विच आ, उहदे नाल सांझ बनाउण दे विच आ, उस किस्म दे ख्यालां, बचनां, सोचां, विचारां उन्हां दे अंदर अपने आप नूं मतायत इनवॉल्व करन दे विच आ। ते इह शब्द इक वार नहीं, इस तरीके नाल महाराज किन्नी किन्नी वार बाणी च बयान करदे ने। किते असीं बचन पढ़दे हां, प्रथमै गर्भ मात कै वासा ऊहां छोड़ धरन मैं आया। जीवन दी शुरुआत बारे डिबेट रही है कि इहदी बिगनिंग कित्थों मन्नी जाए। वैन द लाइफ इज हैपनिंग एज ए फीटस और वैन द लाइफ इज कमिंग दिस वर्ल्ड एज ए बेबी, सो इट्स ए बिग टाइम डिबेट। ईवन मैडिकल वर्ल्ड दे विच भी, मॉडर्न एजुकेशन दे विच भी, जे आपां साइको अनालिसिस विच भी चले जाइए जो कि यूरोपियन सिस्टम निकलिया साइकोलॉजी दे विच, डिफरेंट वे दे नाल जिहदी अज दी होंद विच साइकैट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग तुसीं देखदे हो सारी, उह वी इह मन्नदे कि बंदे दी जर्नी कित्थों मन्नी जाए। ते हुण उह इह बयान करदे ने क्योंकि जो तुसीं किसी इंडिविजुअल दी कोई डीप रूटेड मैंटल स्टेज नूं समझना चाहुंदे हो या उहदी कोई स्टेट ऑफ माइंड उहदी समुची लाइफ दे उत्ते बड़ा डीप इंपैक्ट पा रही है, ते आपां उहदे माँ दे प्रैगनेंसी दे टाइम नूं स्टडी करदे हां जिथों इह बीज बीजना शुरू होया आ। सो इत्थों पता लगता है कि जिहड़ा जीवन दा असल विच प्रारंभता दा जिहड़ा स्टैप मन्निया जाए उह ड्यूरिंग द फीटस, जदों भ्रूण है, जदों अजे होंद बन रही है। महाराज ने बाणी च बयान किया कि प्रथमै गर्भ मात कै वासा, उत्थे सब तो पहला वसेबा उत्थे हुंदा आ, जीवन उत्थों प्रारंभ हुंदा आ। ते इह वी मन्निया गया कि जिहड़ी फीटस दा उह टाइम हुंदा आ जदों उह इक माँ दे उस वूम दे विच इक फलूइड दे अंदर अपने आप नूं जिहड़ा हैगा उस होंद विच हुंदा, ते कहिंदे ने कि उदों भावें असीं उहदे बारे अज कॉन्शियस लैवल ते कुछ भी नहीं जाणदे, बट इह सच्चाई है कि उत्थे उहदी पूरा इक दिनचर्या हुंदी है, उहदा सौणा, उहदा उठना, उहदा हसना, उहदा खेडना, उहदा मूव करना, इह सब उत्थे हुंदा आ। साइंटिफिकली चीज़ां साडे सामने ने। ते इह वी मन्निया गया कि जिहदी ब्रेन दे लैवल ते जिहड़ी एबिलिटी उत्थे हुंदी है उत्थों ही पता लगता है कि वो सब तो खुशनुमा समा हुंदा आ जी समुची ह्यूमन लाइफ नाल कंपैरेटिव लैवल ते लैके जा लैके आईए। ते पर बंदा कहेगा कि जिहनूं साहिब कहिंदे वसंदड़ो कुहतड़ी थाएं, कुखां दे विच उस पट्टी दे विच गंदगी दे विच वसदियां होइआं वो खुशी दा समा, हाँ, क्योंकि उसनूं लगता है कि दुनिया मेरी है, इस दुनिया दे विच मैं पूरी तरह जिहड़ा हैगा आ मैं मस्त हाँ। कुछ ये दूसरा कुछ स्पिरिचुअल रीजन भी मन्ने गए ने स्पिरिचुअल लिटरेचर दे च बन्नी है थे, पर अज आपां उस पासे नहीं जाना। बचन यह है कि प्रथमै गर्भ मात कै वासा, समा आया ऊहां छाड़, एक दिन उहदा छुटकारा हो गया, तरन मैं आया, धरती ते आमद हो गई। कहिंदे ने कि जदों खास करके डिलीवरी दे टाइम दे समें दे विच जिहड़ा फीटस आ बड़ा स्ट्रैस्ड हो जांदा आ, जन्म तो काफ़ी समय बाद तक बच्चे जो स्ट्रैस मौजूद रहिंदा उहदे माइंड दे लैवल ते, क्योंकि उहनूं लगता है कि उहदी एक डिटैचमेंट हो गई उस झिल्ली दे नाल जिसनूं अपनी दुनिया मन्नदा सीगा। हुण की होया, हुण एक नवें गर्भ च आ गया, ते नवां गर्भ की सीगा, चित्र साल सुंदर बाग मंदर, वड्डियां वड्डियां चित्रसालावां, बाग बगीचे मंदर आ सब मकर मकान महलवाड़ियां, दुनिया देखी रंग बिरंगी, महसूस होया वाह, इत वाकई च बई कमाल हो गई, मैं वैसे ही सोच रहा सीगा।
कि उही मेरी दुनिया ते आया। बाबा जी कहिंदे जे तेरी जिंद नूं सही रूप में समझाया जाए ये भी तेरी दुनिया नहीं गई, जिवें उत्थे तू सदा नहीं रह सकता सी इत्थे भी सदा नहीं रह सकेगा, जिवें वह एक दिन तेनों त्यागना पिया जिहड़ा खास करके गर्भ दे दौर ते जो वूम दा टाइम सीगा ये भी छड्डना पएगा तेनों। क्या चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग ना कछु है जाया अवर सब मिथ्या लोभ लभी। जिहदे च बहुत ज्यादा असीं इनवॉल्व हो जाने मिथ्या लोभ लभी है लाग लपेटी है सारी, जिन्हों बंदा मेर ते मेरी जमीन ते मेरा मकान ते मेरा सब कुछ, एक्चुअल लैवल ते मेरा ते कुछ भी नहीं, मेरा ते शरीर भी नहीं, इस जिंद नूं एहसास हो जाए। सब कहिंदे अवर सब मिथ्या लोभ लभी गुरपुरै दियो हरनामा जी कोय हावस्त फबी। असल जड़ी दौलत है साड़ी जड़ी असल चीज साड़े नाल पहमानी है जड़ी पुरमानी है साड़े वास्ते वो की है, गुरपुरै दियो हरनामा, जदों पूरे गुरु ने हरि नाम की दात दे दी सानू ये चीज पुगदी है, ये चीज सानू सोभदी है। या कितें असी गुरु नानक साहब जी दे बचन पढ़ते हैं जो महाराज उथान कहे कहिंदी है लाहौर गए तो लाहौर दे विच श्राद्ध वापर रहे हैं तो श्राद्धां दे समय दे विच पुजारियां नूं बुलाया जा रहा उन्होंने पितरां दे नां ते खवाया जा रहा है। तो गुरु बाबा जी सारी मजमेकारी देखते तो उस रूहानी हिरदे दे विचों उस रब्बी नूर दे उस वड्डे सोमे दे विचों बाणी दा चरना फुटदा आ ते बाबा जी बयान कर देंदे ने कि यह की हो रहा आ कि पितरां दे नां दे उत्ते एक धिर जिहड़ी ब्रोकरेज चला रही है दलाली कर रही है ते होएगा ये जिस च असीं शब्द पढ़दे हैगे आ कि जे मुहाका करमु है पितरीं दे। बंदे दी किरतकार साफ सुथरी होए बंदे दे कमकार ठीक होण बंदा जीवन विहार चंगी तरह जीए दयानतदारी ईमानदारी दे नाल ये बड़ा जरूरी है। फिर कल्ला ही नहीं गा जदों जीवन यापन च तुरदे हाँ जे आपां सिर्फ अपने हक हकूक ते रखांगे नज़र तो फिर बहुत ज़्यादा साढ़े कोल अंबार लाउण वास्ते नहीं होणगे। जिथे अंबार लाउण लई आउंदे ने उत्थे डेफिनेटली कितना कितने बंदा चलाकी दे नाल कह लो कजाकमती दे नाल कह लो कुछ ना कुछ कर करा के किसी का हक हकूक मार लैंदा आ ते फिर उह सारे नूं सफल करदा पूजा अर्चना दे नां दे तहत ये अक्सर रहा आ। बाबा जी कहिंदे भी जे मुहाका करमो है किसी का कर मोहे किसी नूं ठगी लाए चोरी करे कर मोहे पितरी दे वो सारा कट्ठा करके पितरां दे नां ते दान कर दे भी चलो मेरे पितर मेरे सिर ते हाथ रखणगे ते मैं उन्हां नूं जिहड़ा हैगा इस सारे दा कुछ हिस्सा उन्हां दी जिहड़ी आफ्टर डैथ जर्नी है उहदे च मैं पा दिया तो उहदा भला हो जाएगा। जदों इस तरीके की बात की महाराज बयान करदे करम है पितरी दे अगे वस्त संजाणी है पितरी चोर करे जे किते अगे जा के जिन्हों क्या रब करतार हो ते सब जानदा साफ गोही दे नाल तुथे जे वो वस्त पछाणी गई भी ओहो आ ते मतलब किसी होर दे हिस्से दा ठग के लिया आ ते सब ने बयान किया कि फिर ये चेते रखी कि पितरी चोर करे तू पितरां नूं भी चोर करेगा ते कल्ला ये नहीं गा वड्डीए हथ दलाल के मुसफी ये करे जिहड़ा मुनसफ आ वह इहो जिहे दलालां दे हथ वड्डेगा जिहड़ा समाज नूं इस तरीके दे नाल एक्सप्लोइट करदा है उहदी एक्सप्लोइटेशन विच रोल प्ले करदा उस नूं किसी ना किसी तरीके दे नाल गलत पासे तोरदा आ गुमराह करदा आ। फिर नाल ही बाबा जी ने भी बचन कहा कि भी नहीं कि तुसी अपने नाल कुछ इत्थों लिजा नहीं सकते क्योंकि ये जहान विच असीं इक जर्नी विच आ एक पड़ा पूरा होना अगला पड़ा शुरू होना। सब कहते नानक अगे सो मिले जे खट्टै कालै दे ये नाम की महिमा आ खट्टी उही खट्टांगे जिहड़ी विचारां दे विच पई है ख्यालां विच पई है ते ख्याल ओ जिहड़े कुछ शुद्ध ने चंगेरे ने जिहड़े जीवन विच
इंप्रूवमेंट वास्ते प्रेयर दे सानू इंस्पिरेशन दें दे। महाराज बयान कर दे कि अवर सब मिथ्या लोभ लभी गुर पूरै दियो हरनामा जी को हावस फबी। इस जिंद नू आ चीज फबदी है सोभदी है जी की एक ही पहमानी। इस जिंद की पुरमानता उस नाम के संकल्प विच हुंदी है। एहो जे विचारां ख्यालां सोचां नू पढ़ना सुनना समझना एहसासना मानना जीना यही बंदगी है सारी ये भगती है। ये मन के चलिया जाए जो सपोज कोई बच्चा आया तो उसनों तुसी ये लैक्चर दें दे हो कि तू ना पढ़िया कर पढ़ के तू एक दिन डॉक्टर बन जाएगा इंजीनियर बन जाएगा लॉयर बन जाएगा अकाउंटेंट बन जाएगा सम जो भी उस रूप दे विच। ये सब चीज़ां असीं बड़ा उन्हों दार्शनिक वेद नाल समझाउंदे आ वो सारियां सुनदा आ ते सुन सुना के ते मुड़ के वो कहिंदा भी ठीक है। फिर असीं देखदे आ जो इहनूं कहा गया सीगा उहदे किसी रूप दे विच भी अमल अमाल की बात नहीं बनी। भाव स्कूल का बैग उवें बंद पिया आ उहदा ईवन स्कूल जाना भी पसंद नहीं करता वो किताबां नाल दोस्ती कोई नहीं उहदी जिहड़े सहपाठी पढ़न वाले उहनां नाल कोई गल नहीं करता। ईवन जे वेख्या जाए डीप लैवल ते ते इहदे कोल ते इहनूं ते अखर ज्ञान भी नहीं हैगा। हुण की है कि ये सारा करदा होया कि ये किस चीज़ रिफलैक्ट हो रही उहदे विच्चों यही कि वह इस पासे नहीं जा सकेगा। जिहड़ी चीज़ उहनूं सोभदी है जे उहने उस मंजिले मकसूद तक पहुँचना है वही पहुँचता है। किताबां नाल दोस्ती होए अखर कुरेत रहा होए सहपाठियां नाल चर्चा होए स्कूल विच जद्दोजहद कर रहा होए सारे दे बाबत ये है पुरमाना ये है उस चीज़ की पहमानियत। यदी कोई सिग्निफिकेशन बनती है हाँ भाई ये अगे दस रही है कोई चीज़ रिफ्लैक्ट हो रहा है ये कितने पहुँचेगा। जे साड़ी जिंद वकारां दे विच स्वार्थां दे विच हवसां दे विच आलस दे विच गलतान रहे तो फिर कहिए भी असी उस सैलवेशन नू अर्न करांगे असी अपने जीवन नू सफला करांगे। बाबा जी कहिंदे किहड़े काम कर रहे हो जे किते जिहड़ी चीज़ फबदी है वह ही नहीं अजे होई। बच्चे का किताबां दे नाल दो चार होना पढ़ना स्कूल जाना सब वह फबदा आ वह जचदा आ उहदी एज दे मुताबक। जे अज ये चीज़ फब रही है फिर होएगा कि अगे उहनूं एक चीज़ होर फबदी मिलेगी जिहनूं असीं कॉलेज कहिंदे आ यूनिवर्सिटी कहिंदे आ फिर उहनूं एक चीज़ होर फबदी मिलेगी ओह जे वर्क प्लेस के उत्ते उन्होंने जोड़ा है प्लेसमेंट मिलेगी फिर हौली हौली उत्थे जॉब मिलेगी कैरियर मिलेगा टाइटल मिलेगा ये ता अगला अगला काम तुरेगा। जे अजे पहला ही कार्ज नहीं होया इहदा मतलब बात बनी नहीं गई। साहब यही बयान कर दे इस जिंद नूं संगत गुरु की वह विचार शब्द दे वो रूहानी अध्यात्मी संदेश जिहड़ा रूहानी तौर पर अध्यात्मिक तौर पर उसनों मच्योर तो प्योर करता है जो ही अजे अटेन नहीं कर रहा अगले पड़ा कितने बन गए। इहदा मतलब जी को यह अवस्थ फबी गुरपुरै दियो हरनाम जिहड़ा वह पूरे गुरु ने हरी नाम दिता उहदी दुध नाल एसोसीएशन जिहड़ी सी इत्थे महाराज बयान करते जी की एक ही पैमानी यही चीज़ जिहड़ी है इहदी सिग्निफिकेशन है तेरे वास्ते। अदरवाइज अवर जतन कर रहे बहुतेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी ते होर यतन। बड़ा ब्रॉड बड़ा ओपन एक तरह की स्टेटमेंट गुरु बाबा जी बचन च पा रहे हैं। अवर जतन च भी हो सकता आ कि सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की। सुख वास्ते एफर्ट आ पर पा दुख रहा है क्यों क्योंकि एफर्ट ही गलत हो रही है होर नू सरल कर दीए। इस तरह जाने जो भाई वीर सिंह जी की एक नज़म अक्सर असी पढ़ते सुनते हैं तो कई उन्होंने टुकड़े पर छोटे छोटे रंग वो जिक्र करते कि कोले की पट्ठी बलदी है तो बलदी हुई पट्ठी के कोला वो अग दे सेक दे नाल एकदम कितने जोर ला के उछाल पैंदा तो बाहर डिग जाता। बलदी हुई पट्ठी लाल रंग की कोले सोहने लगते हैं लालिमा फैलाते हैं बाहर डिग के कोला काला बिल्कुल शाह काला हो जाता है तो जो वेखते तो कहें ओ हो ये तो काला हो गया पर मूल तो लाल सीगा इन फिर आप लाल किवें करिए कालक ही ला दी घट तो घट तो कहें फिर वो वास्ते कुछ एफर्ट पाई
भी ताकि इन दोबारा एटलीस्ट लाल नहीं तो चिट्टा तो कर दें ना, काला तो ना रहे, काला तो सोहना नहीं लगता। वो कहते दुध दही विच पाया कोला साबण लाला तोता, कहते भी वह दुध च भी पाया दही नाल भी तोता भी चलो खटियाई नाल कालख लै जाती है, साबण लाला के तोता पर कालख नहीं लती। लाल तो होना दूर की गल रही, चिट्टा भी नहीं होया। उ कहते दुध दही विच पाया कोला साबण लाला तोता, खुंभ चाड़ रंगन ली तरिया ना तिस रंग वटाया। सोचिया आप रंग ही मतलब इतने चाड़ दें, कहते ललारी को रंग भी नहीं चढ़िया वे उत्ते, वह काले तो काला ही रह गया। कहते रंग चाड़ रंगन ली तरिया ना तिस रंग वटाया, फिर समझ आई विछड़ के कालकसी आई बिन मिलिया नहीं लेंदी। कहते यदि कालख ये विछोड़े तो है, जिथे नाले दा मूल है जो उत्तों टुट गया तो काला हो जाएगा। साडा भी जे असी रूह करके जी करके प्रभु दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दे निर्मल पै भाव विच रहांगे, साडा जीवन सफला होएगा। तो वह एक कारज नूं छड्ड के अपने आप नूं रब्बी अहसास विच गुरचरणा विच जोड़न की बजाए, उहदे पै भाव विच रहण की बजाए होर जो मर्जी कर लईए। वो धर्म कर्म भी हो सकते जिवें लोग बहुत कर्म कांड करते क्रियाकलाप करते हो जे। बाबा जी कहिंदे जो मर्जी कर लै, जिवें वो कोले दी बात कीती विछड़ के कालकसी आई बिन मिलिया नहीं लहिंदी। कहिंदे अग अग विच पाया कोला चढ़िया रूप सवाया, जदों उहनूं वापस उहदे मूल च रखिया बड़ा उहते बड़ा शोभनीक रूप हो गया था वापस। अवर जतन कर रहे बहुतेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी, उहनां दी तिल मात्र भी कीमत नहीं। जिहड़ी बंदे दी जिहनूं असीं इंटरनल इंप्रूवमेंट कहिंदे आ अज दी लैंग्वेज दे विच अंतरीव उसारी, बंदे नूं बाहरों कोई फोर्स नहीं बदल सकदी। वैन एवर वी टॉक अबाउट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन दैन दे ऑलवेज से दे मीन एक्सपर्ट्स बिहेवियरिस्ट, दे हैव एक्सेप्टेड दैट इफ वी रियली वांट real improvement in human behavior, then it should come from internal forces. Antriv jida pandita paavya, te in naam da hi paav hai sara. Maharaj kende je oh usari hoegi, taan usari hoegi. Otherwise, jivein drakhta nu baro, tusi patte nahi la sakde. Phul phal laane te badi dur di gal rahi. Unhan nu haryawal unhan de andro mildi hai. तो जे उहदी अंदरों हरियावल चाहिए तो जड़ लगी होनी चाहिए मूल दे विच। तुसी जड़ तो तोड़ दिओ, तुसी उहनूं डीरूट कर दिओ, तुसी उसनूं जड़ा हैगा आ उहदे रूट्स तो जड़ा जुदा कर दिओ, सैपरेट कर दिओ, होएगा कि इन बिन जी की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहुत तेरे तिन तिल नहीं कीमत, उहदी तिल मात्र भी वैल्यू नहीं हैगी। जिहड़ी चीज़ सानूं साडे मूल नाल जुड़न विच प्रेरदी नहीं, प्रेरणा नहीं दिंदी, रहाओ। शुरुआती पदाया जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगुड़ सुजानी, असल सोमा जिदे करके तन होया मन होया तो सब ताना सब आर पदार्थ मानन दे समर्थ हो सके। असी उही सुगुड़ है, उही सुजान है, उही सियाणा है। अक्सर असी देखते हाँ कहिंदे ने अकलां बाजों खूह खाली, मतलब बदलते वक्त दे नाल चीज़ां डिफरेंट वे दे नाल तुहानूं मिल रही ने। पुराने समय मतलब जे कोई चीज़ खास करके बंदे दी लोड़ वास्ते जिवें पानी चाहिए है तो या तो बरसात था पएगा, तो जे बरसात नहीं पै रही तो फिर पानी कित्थे होएगा, पानी का गुबार खड़ा होया सोमा होएगा। जे कि सपोज करो कोई वाटर बॉडी नहीं हैगी सरफस के उत्ते फिर मिट्टी पट के थल्यों पानी कढ़िया जाता। बंदे ने बहुत ज़्यादा धरती नू जड़ा हैगा एक तरह की एक्सप्लोटेशन की है धरती की, तो उहदे करके वड्डा हिस्सा पानी का सोमियां का खराब कर दिता। तो धरती हेठला पानी वो लगातार हालांकि जिस असी खिते च रह रहे हैं इत्थे जल्दी करके वो किसी नू जड़ा आ वाटर वैल नहीं बना देंगे। बड़ा इतने लाभ बहुत सख्त है इतने इस रूप के, क्योंकि उन्होंने पता है भी ये
बड़ा प्रीशियस सोर्स आ मदर नेचर का। एक ये तो है नहीं गा कि कोई पांच चार दस पंद्रह भी साल कोई चीज़ बन गई है ना। हालांकि मनिया जाता कि जेडे मिनरल्स होंगे या किसी तरह का भी मैटल आ धात आ जिमें सोना चांदी हीरे जवाहरात ये कीमती चीज़ा बड़े समा ला के बनिया धरती के थले दबिया हुई एक जियोलॉजिकल प्रोसैस के पर जड़ा पानी धरती के बैड हेठ इस तरीके जमा होया भी लखा लखा साल जमा होया जो प्योर वाटर है जो वाकया चीज जिवें पंजाब इन्ना बेशकीमती पानी सीगा इन्ना मिठा स्वादिष्ट पानी पर बंदा की है कि वह उसने केयर ही नहीं की तुम्हें लगा गल ही कुछ नहीं है। जे आप वर्ल्ड वाइड अच्छ पानी की ईवन साढ़े इतने पानी के वाटर बिल तुम देखे हो किन्ने वधे ने किस रूप के जो वो अकॉर्डिंगली ही तुम जो वाटर बिल इतने कैनेडा नॉर्थ अमेरिका हालांकि दुनिया की सब तो जी लिवेबल चीज़ा जिन्होंने असी अपनी लिविंग वास्ते यूज करते हैं बहुत अफोर्डेबल प्राइस इत मनना कोई शक नहीं है। पर ये बावजूद भी जी पानी की इतों की कीमत दे नाल उत्थे खेतां च लगदा झोने नू कणक नू होर जगह नू पानी सारा तुसी कैलकुलेट करोगे तो पता लगेगा लोकी उत्थे कुछ भी नहीं खट रहे उस पानी की वैल्यू ते जीरो। एक्चुअली बदलते वक्त च एजुकेशन इस तरीके नाल लोकी जो यूज करते हो कहिंदे वाह किन्ना लॉस हो रहा उन्हां लोकां दा उत्थे इत्थे भी फसलां पैदा होंदियां ने पर सारा जस्ट मोस्टली जिहड़ा हैगा रेनिंग वाटर के नाल ही हुंदा सारा कुछ। वो कहिंदे मदर नेचर नू यूज करो उहदी ही सोर्स जिहड़े सानू मिल रहे ने जस्ट यूज दैम डिस्टर्ब उहनू डिस्टर्ब ना करो डिस्ट्रैक्ट ना करो उहनू। पर उत्थे इहो जिहा कुछ नहीं उत्थे ते क्योंकि उस रूप दे विच आ। खैर जिहड़ी बेनती करन लगा सी खूह मिट्टी पट्टी पानी आ गया पर मिट्टी पट के विचों पानी कढ के पीना है अकल का काम है। तो जे अकल नहीं गई फिर खूह खाली है। तुसी भावें जिन्ना मर्जी धरती हेठ पानी होए हुण दी बात नहीं पंजाब दी पहली विज़ां च बात करिए ते तो तुसी लै नहीं सकते। साहब ने जिहड़ी बात की इस पावन बचन दे विच महाराज कहिंदे सुगड़ सुजान अकल का सोमा वह है। बंदे कोल तन भी है मन भी है धन भी है चार छपेरे पर जीवन फिर संपूर्ण नहीं अधूरा आ मतलब बिल्कुल हैल्दी इंडिविजुअल्स फिजिकली कोई किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं है। मैंटली भी इन गल करते सब पर समहाओ असं देखते हैं हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है मैंटल हैल्थ हॉस्पिटल से बैठे ने या स्कैनेडियन कल्चर से देखोगे तो वड्डा हिस्सा होमलैस कम्यूनिटी का मिल जाएगा तुसी कहोगे हद हो गई। लोग कैनेडा अमेरिका आने वास्ते तड़प रहे ने इत्थे पैदा हुए इत्थे वड्डे हुए सड़कों रुलते फिरते हैं ये की चक्कर आ ये सिकनेस है। तो सिकनेस किवें दूर होएगी जे तो उनकी ट्रीटमेंट्स के नाल दूर हैल्थ केयर फ्री है इतने इन्ने सोर्स ने फिर तो हो गए होंगे हैल्दी हो कुछ होर है जिहड़ा बियोंड आवर एक्चुअली जस्ट वर्ल्डली अप्रोच इस तो अगे है। वी कैन नॉट फिक्स एवरीथिंग विद आवर वर्ल्डली अप्रोच वी नीड सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल अप्रोच एंड दैट इज कोल्ड नाम एंड दैट इज कोल्ड महाराज के इतने बयान कर दे कि जी की एक कह ही पहमानी तो वो को मिलेगा जिन्हें सिरजे आया जिन्हें दिता आया जीवन। सो जीवन दहिंद हस्ती दे नाल सांझ पौनी जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा मेरे दुख सुख का भाईवाल भी उही है। अक्सर बात हुई बंदा दुख सुख संसार नाल सांझा करना चाहुंदा ते संसार दुख तो भजदा सुख तो सड़ जांदा संसार दी ही प्रवृत्ति है। ईवन तुसी किसे लैवल ते सुख की अवस्था च जिहड़ा थोड़ा उस रूप में इंप्रूव करना लगो ते आले दुआले तो जैलस आउणी शुरू हो जांदी है। सो तुसी दुख की अवस्था च निगरन लगो आले दुआले तो तुहानूं आइसोलेशन मिलनी शुरू हो जाती है। दे डोंट वॉन्ट टू हैव एनी एसोसीएशन विद यू बिकॉज वो कहता मैं की लोड़ पई है। फिर बंदा दुख सुख का भाईवाल किनू बनाए उन्होंने जिन्हें जीवन दिता है करतार नो जो असल सिरजनहार आ
ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਪ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ, ਉਹ ਬਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਬਣਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਤੌਬਿਤ ਨੇਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਫਿਰ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਹੰਡਾ ਲਿਆ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰਦਿਨੋ ਮੰਤਾ ਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿਆ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਮਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸੰਦੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਟੀਚਿੰਗਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੇ ਪਰਕਸ ਜਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਲਸ ਜਾਂ ਜਿਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਆ। ਕਿਆ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ, ਡਿੱਗੇ ਨੰਡੋਲਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ, ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੇਟਾਈਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਮੁਬਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਡ ਅਤੇ ਫੀਅਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਕਦਮ ਕੁਛ ਵੱਧ ਬਣਾ ਲਈਏ ਲਾਲਚ, ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਡਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਲੋਕ ਤੇਲ ਦੇ ਡਰੰਮ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ 2-4 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜੰਪ ਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ, 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10,000 ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਡੋਲਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛੋਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵਿਖਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਠ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਧਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਗੀਤ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰ ਬਾਂਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਉਹ ਬੰਧਾ ਨੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ ਬੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੰਡਲ ਬੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਲਵੇਂ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।